students, in my first lecture of the chapter Money and Credit, I taught you about the barter system, about the definition of money. So, barter system in which we sell goods in place of goods. Example, goods ke saman ke badle saman bechte. That is barter system. So today our new topic is modern forms of money. So in that two part, one deposit with banks, jo paisa hum bank pe deposit karte. Second one is currency. You all are well aware about the word currency. It is authorized by the Indian government. Example is paper notes and coins, like 10 rupee coins, 2 rupee coins, 1 rupee coins, 5 rupee coins you have seen there. And paper money, 100 rupee note, 50 rupee note, 20 rupee note, notes also you have seen. And nowadays, due to the modernity, we have ATM card, we have credit card, we have debit card. So they all are modern for currency. But the other side, we deposit money in banks. And people deposit extra money in the bank in the form of cash. तो लोग क्या करते हैं, जो उनपे एक्स्ट्रा मनी होता है, तो सरप्लस अमाउंट होता है, उसको बैंक में कैश की फॉर्म में जमा करते हैं. एंड दिस मनी कैन बी विथड्रॉन, ये निकाली जा सकती है, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं. आपका अगर बैंक अकाउंट होगा, अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा होगा, तो यू कैन आस्क फॉर दैट मनी, यू कैन विथड्रॉ दैट मनी. इस पैसे को निकाल सकते हैं, तो सब डिमांड डिपॉजिट है. एंड कैन बी यूज फॉर पेमेंट, और इस पैसे को आप पेमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के पेमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं. इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको आप चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, इसको आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, और इसको आप मनी ऑर्डर के थ्रू निकाल सकते हैं. सो टू वे कैन बी विथड्रॉन थ्रू डिमांड, सॉरी विथड्रॉन बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ, तो वी कॉल इट डिमांड डिपॉजिट. जो खुद ही निकालेगा उसको डिमांड डिपॉजिट, और जो चेक के थ्रू ट्रांसफर करके या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू मनी ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करेगा. सो टू वे, व्हाटएवर मनी वी डिपॉजिट द बैंक, वी कैन यूज दैट इन टू वे, वेयर फर्स्ट वी विथड्रॉ दैट, सेकंड वी कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट फ्रॉम दैट मनी. क्लियर? सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक. बैंक का लोन एक्टिविटी, बैंक जो लोन देता है उसकी एक्टिविटी क्या है? दिस इज बैंक. सो बैंक मनी डिपॉजिट करता है, डिपॉजिटर्स डिपॉजिट द मनी, और बोरोवर्स टेक द मनी फ्रॉम द बैंक. सो व्हेन बैंक, व्हेन डिपॉजिटर डिपॉजिट मनी इन द बैंक, वी कॉल इट मनी डिपॉजिटेड. एंड इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक टू द डिपॉजिटर्स, ठीक है, डिपॉजिटर को बैंक इंटरेस्ट देता है. अब यहां पर क्या होगा, बैंक मनी उधार दे रहा है बोरोवर्स को, तो यहां पे इंटरेस्ट अर्न कर रहा है. हियर ही इज पेइंग द इंटरेस्ट, यहां पे इंटरेस्ट अर्न कर रहा है किस पे, जो मनी वो लोन दे रहा है. सो इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर इज लो, जो डिपॉजिटर को पैसा जमा करने वाले को इंटरेस्ट देते हैं वो कम होता है, और इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर इज हाई, और जो इंटरेस्ट हम बोरोवर यानी उधार लेने वाले को देते हैं वो ऊंचा होता है. सो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर इज बैंकर्स इनकम. तो जो हम इनकम बोरोवर, सॉरी जो इंटरेस्ट हम बोरोवर से लेते हैं और जो हम इंटरेस्ट डिपॉजिटर को देते हैं, उसके डिफरेंस को बैंक का इनकम कहा जाता है. सपोज वी आर टेकिंग 12% इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बोरोवर्स एंड गिविंग 6% टू द डिपॉजिटर, तो डिफरेंस इज 6 पर 100 पर 100. सो दिस वे द बैंक फ्रॉम एवरी डिपॉजिटर गॉट 6 रुपी फ्रॉम ऑन 100 रुपीज. सो दिस इज कॉल्ड द लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक. तो बैंक का अपने इनकम जनरेट करने का यही तरीका है कि वो डिपॉजिटर्स को
कम अमाउंट जो है इंटरेस्ट की फॉर्म में देता है और बोरोवर से ज्यादा लेता है और उसके डिफरेंस को ही हम बैंक की इनकम करते हैं। उसी इनकम से वो अपने जो इम्प्लॉयज होते हैं या जो दूसरे वर्क होते हैं उनको पूरा करता है। सो थैंक यू फॉर टुडे।